नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को वाई एफ एम सिक्योरिटी में दोस्तों आज मैं आपको जिस आईपी कैमरे के बारे में बताने वाला हूं ऐसे आईपी कैमरे की के जरूरत लगभग सबको होती है और इसके स्पेसिफिकेशन जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि इस तरह की खासियत इस तरह के स्पेसिफिकेशन फीचर वाले कैमरे आप अक्सर मार्केट में ढूंढते हैं आपसे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं मगर ये स्पेसिफिकेशन किस तरह के मॉडल में है वो आपको नहीं पता होगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दू जिस कैमरे के बारे में बात करने वाला हूँ जी हाँ न्यू जनरेशन ऑफ एक्सेंस कैमरा एक्सेंस कैमरा जो न्यू जनरेशन वाला जो कैमरा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं ये टेन पिक्सल और चार मेगापिक्सल में आता है जी हां डोम में डी टू सी टू थ्री फोर सिक्स जी वन डैश आई स्लैश एस ये चार मेगापिक्सल में डी एस टू सी टू थ्री टू सिक्स जी वन आई स्लैश एस ये आपका आता है टेन पिक्सल की सीरीज बुलेट में टू सीरीज आता है जिसमें कि डी आई स्लैश एस एल आपका चार मेगा पिक्सल और डी एस टू सी डी टू टी टू सिक्स जी वन डैश आई स्लैश एस एल ये आपका टेन पिक्सल में है तो इसकी जो खास बात है जो की फीचर है वो सबसे पहले आप जान लीजिए जी हाँ स्ट्रॉब लाइट विथ ऑडियो अलार्म आपके ऑडियो अलार्म के हिसाब से स्ट्रॉब लाइट भी जलेगी जो बाकी कैमरे में नहीं होते चलिए आगे और सुनते स्पीकर इन बेल्ट कैमरा इसमें स्पीकर होता है और अब स्पीकर है तो आप समझ लेंगे इसमें सायरन आते होंगे लेकिन साइरन ही नहीं कस्टमाइज जो आपका जो वॉल्यूम जो ऑडियो आप देते हैं वो आप कस्टमाइज कर, हाँ, कर सकते हैं जी हाँ इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं ऑडियो को जगह के हिसाब से जहां पर कि आप जिस एरिए जिस तरह के ऑडियो को सेट करते हैं उस तरह की ऑडियो आपके कैमरे से आएगी जैसे कि आप किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सेट करके रखें जो भी मैसेज आपने सेट करके रखा है अगर वहां पर कोई आता है तो उसको वो अलार्म सुनाई पड़ेगा जैसे कि वार्निंग दिस इज ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया प्लीज कीप अवे या फिर दिस इज नो पार्किंग जोन प्लीज कीप अवे इसके बाद अटेंशन प्लीज दिस एरिया इज अंडर सर्विलेंस वेलकम प्लीज कम इन डेंजर प्लीज कीप अवे इस तरह करके जो भी मैसेजेस हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि लोगों को चाहिए होता है कि वो कैमरा खुद बताए कि यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर नहीं आना है सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है डिजाइन किया गया इस कैमरे में जिसकी जरूरत लोगों को महसूस होती है तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा इसके बाद थर्टी एफ पी एस पे ये काम करता है रिकॉर्डिंग थर्टी एफ पी एस पे करती है जो कि सबसे अच्छी बात है एक सौ बीस डी बी डब्लू डी आर वन ट्वेंटी डी बी डब्लू डी आर पावर्ड बाई डार्क फाइटर डार्क फाइटर से पावर्ड यानी कि रात में आपको पिक्चर क्वालिटी कलर व्यू से भी जबरदस्त आपको मिलेगी फॉल्स अलार्म रिडक्शन है बाय ह्यूमन एंड व्हीकल टारगेट बेस्ड ऑन डीप लर्निंग डीप लर्निंग मैंने आपको बताया था कि फॉल्स अलार्म को खुद रिड्यूस्ड कर देता है और ये ह्यूमन और व्हीकल को आइडेंटिफाई करके अलार्म सिग्नल देता है ऐसा नहीं कोई छिपकली कुछ भी कोई आ गया और वहां पर ये अलार्म पर अलार्म चल रहा है या ऑडियो वाले अलार्म चल रहे हैं ऐसा नहीं है और खासियत आप देख लीजिए माइक्रो एस कार्ड का स्लॉट सपोर्ट एक सौ तक है बी एल सी थ्री डी डी रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने एरिया के हिसाब से जिस एरिया को सिलेक्ट कर देते हैं वहाँ पर हाई ब्रिड रेट में क्वालिटी गेदर होगी बाकी जगह जो आपके लिए जरूरी नहीं है वहाँ पर हाई क्वालिटी नहीं गदर होगी इससे क्या होगा आपके स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ेगी चलिए स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं स्पेसिफिकेशन शटर स्पीड है वन बाय थर्टी टू वन बाय वन लैक सेकेंड और स्लो शटर है यस अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है शटर स्पीड क्या है शटर स्पीड पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ये शटर स्पीड जो इंडिकेट करती है यहां पर कि आपका जो घोस्ट वाला इमेज बन जाता है यानी कि डार्क में जो इमेज है अगर कोई तेजी से क्रॉस करता है तो घोस्ट जैसा इमेज हो जाता है यानी सेटो ब्लरी इमेज आ जाता है वैसा इसमें नहीं होगा ये उस इमेज को क्लियर कैच करने की क्षमता रखती है इसके साथ साथ अगर हाई ब्राइट लाइट में भी अगर कुछ पार होता है तो उसे भी कैप्चर करने की क्षमता रखती है इसका मतलब यही हुआ हालांकि मैं डिटेल्स एक वीडियो जरूर बना दूंगा कमेंट में जरूर लिखिए अगर आप जानना चाहते हैं स्पीड स्पीड से से क्या होता है कैसे पता करेंगे, किस कैमरे में कौन सी खासियत तो ये बहुत जरूरी होगा वो वीडियो, तो में जरूर है मैं वीडियो बना दूंगा थर्टी मीटर बीट्रे थर्टी टू केबीपीएस से सिक्सटीन एमबीपीएस तक यह भी इंडिकेट करता है, 16 जो है वो कितना जबरदस्त है अलार्म इंस्ट्रक्शंस पता है आपको डीप लर्निंग बेस पे काम करता है तो इसमें इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं आती है आपके बिहेव जो भी बिहेवियर होता है उसको रीड कर सकता है ये कैमरा और उस हिसाब से अपने अलार्म को आउट करता है इसमें सेम चेंज डिटेक्शन है जो सीन है वो और जो चेंज होता है शाम रात इवनिंग जिस तरह के सीन बादल वाले क्लाउड वाले जो सीन होते हैं ऑटोमेटिक उस हिसाब से डिटेक्ट ये कर लेता वाटर वाटर कर है वाटर मार्क बेस्ड कैमरा इसमें आप आप वाटर वाटर मार्क मार्क भी भी डिफाइन कर कर सकते सकते हैं हैं जो कि लोग बहुत जरूरी डिमांडेबल है, है लेकिन सभी कैमरे में ये मौजूद नहीं होता ऑनवी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता ऑनवी पता है आपको ऑनवीप प्रोटोकॉल यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जितने भी एनवीआर हैं किसी भी ब्रांड के जिसमें ऑनवी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वहां पर यह कैमरा सपोर्ट करेगा रीसेट बटन है रीसेट बटन होने से एक खास फायदा आपको क्या हो जाएगा कि लोग अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं पासवर्ड के लिए फिर आप ऐसे डीप टूल्स में जाइए कीजिए वो कीजिए काफी परेशानी है सिर्फ रीसेट बटन है आप रीसेट बटन से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आईपी कैमरे में नहीं होता एजविज के कैमरे वगैरह में ऐसे होते हैं तो ये एक और खासियत है अप टू 32 यूजर्स थर्टी टू यूजर्स ऑनलाइन में एक साथ देख सकते हैं एक साथ यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम लॉग जो है थर्टी यूजर्स का इसमें और 430 की है और चार ग्राम का ये कैमरा है जबरदस्त कैमरा है मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इस तरह के हाई डेफिनेशन वाले कैमरे चाहिए जिसमें कि ऐसे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हो तो आप जरूर न्यू जनरेशन का एक्शन कैमरे को जरूर परचेज़ करें और इसके जो प्राइस लगभग टेन थाउजेंड के अराउंड आता है तो डिटेल्स आपको अगर इसके प्राइस के बारे में भी जानना तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका प्राइस को भी मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा इंस्टाग्राम के पेज को मेरे जरूर फॉलो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को लाइक जरूर कर देगा धन्यवाद